जमशेदपुर में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के द्वारा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मुस्लिम छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। कार्यक्रम के संबंध में संस्था द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, जहां संस्था के अध्यक्ष रियाद शरीफ के अलावा कई अन्य सदस्य मौजूद थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए रियाद शरीफ ने कहा कि 2023 अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सलेंस का आयोजन 25 जून को रजवाड़ा पैलेस में किया जा रहा है। इस वर्ष 10वीं में पास करने वाले 500 से अधिक छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में 45 से अधिक स्कूल भाग ले रहे हैं, जहां हम लोगों के द्वारा CBSE, ICSE एवं जैक बोर्ड के छात्रों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से अवार्ड फॉर एकेडमिक एक्सलेंस का आयोजन किया जा रहा है आगामी 25 जून रविवार को। क्योंकि हर साल हम इस फंक्शन का आयोजन करते हैं जब 10th का रिजल्ट्स आता है बच्चों का, और इस बार भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट्स किया है। तो जो बच्चे इसमें इनरोल करना चाहते हैं, अपने आप को रजिस्ट्रेट करना चाहते हैं, हम लोगों ने आज अनाउंस किया है 7 सेंटर्स हैं जमशेदपुर में, जहां जो बच्चे CBSE एंड ICSE से 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं वो एलिजिबल है, वो अपने आप को यहाँ रजिस्ट्रेट करा सकते हैं। साथ ही जैक स्कूल्स के मैनेजमेंट्स को हम लोगों ने कहा जैक बोर्ड से कि वो अपने स्कूल्स के टॉप 10 स्टूडेंट्स जो है मार्क्स अकॉर्डिंग उनकी लिस्ट हमको झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को उपलब्ध कराए। इनकी करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम 25 जून को शाम 5 बजे होगा, जिसमें करियर काउंसलर जो एक्सपर्ट्स है वो मार्गदर्शन करेंगे बच्चों का। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TMT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।